हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इंश्योरेंस का सम आता है एग्जाम में, राइट? तो जैसे डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस दिया है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट? तो उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, उसका डिस्कशन कैसे रहेगा, राइट? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है ना, वैसे इंश्योरेंस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है। उसका ये स्टेटमेंट है, तो ये क्या दिया है, रेवेन्यू अकाउंट बना रहे। ओके, तो रेवेन्यू मतलब कितना आया और कितना गया। तो इंश्योरेंस का ऐसे इंश्योरेंस कंपनी, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, प्रीमियम से आएगा। पब्लिक प्रीमियम पॉलिसी लेती है ना, तो कंपनी को क्या पे करती है, प्रीमियम। तो जो प्रीमियम का पैसा था वो मेन इनकम होता है। पर आपको एग्जाम में ना प्रीमियम का ऐसे इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो प्रीमियम आएगा भी और प्रीमियम जाएगा भी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग को एग्जाम्पल लेके समझाओ, अभी कैसे समझा सकता हूँ, ये देखो। सपोज ए इंसान है, राइट? तो उसने इंश्योरेंस किससे कराया, मालूम है, रिलायंस से इंश्योरेंस कराया। ओके, तो ए ने किससे इंश्योरेंस कराया, रिलायंस से। तो ए क्या करेगा, रिलायंस का पॉलिसी लेगा, तो पॉलिसी का पेमेंट प्रीमियम होता है। क्या होता है, प्रीमियम। अगर एक के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो रिलायंस कंपनी इसको पे करेगा। तो जब कंपनी देती है तो क्लेम, और कंपनी लेती है तो प्रीमियम। तो कंपनी की तरफ से सोचेंगे तो प्रीमियम इनकम होएगा, ओके, और क्लेम क्या होएगा, पेमेंट कर रहे तो कंपनी का खर्च होएगा। और भी कपास कंपनी के पास अलग अलग जगह से पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, वो सब अदर इनकम में आ जाएगा। तो एक तरफ से तुम्हारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। वैसे इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा भी होता है, क्लेम पे करना पड़ेगा, तो ऐसे क्लेम को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम दे भी रहे, मिल भी रहा है। ओके, वो भी डिस्कस करते हैं। कमीशन पेड, जो भी छोटा मोटा खर्चा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कमीशन मतलब जो एजेंट काम कर रहा है कंपनी के लिए, कस्टमर लेके आ रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, तो कंपनी उसको कमीशन पे करती है। ओके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो बैंक में था ना अपने, तो ऑपरेटिंग मतलब छोटा मोटा खर्चा, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑडिट फीस, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। और बैड डेट मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी को मामू बना है, पैसा जो आया नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसमें एक दो वर्ड आता है, एक बिजनेस होता है डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का मतलब होता है कस्टमर जब कंपनी से लेन देन करता है, ओके, और कंपनी को भी डर लगता है तो वो अपना भी रिस्क कवर करने के लिए री इंश्योरेंस, कोई बड़ी कंपनी से इंश्योरेंस कराता है। मतलब कस्टमर ने कंपनी से इंश्योरेंस कराया और ये कंपनी ने कोई और कंपनी से इंश्योरेंस कराया, और कंपनी से क्या कराया, इंश्योरेंस, तो उसको आप लोग री इंश्योरेंस बोल सकते हैं। तो ये कंपनी को प्रीमियम आएगा भी और ये कंपनी को प्रीमियम देना भी पड़ेगा। तो कितना प्रीमियम आया है, कितना गया, तो जो बचेगा वो नेट प्रीमियम हो जाएगा। वैसे कंपनी अगर कस्टमर के साथ कुछ होएगा तो कंपनी क्या पे करेगी, इसको क्लेम पे करेगी, और कंपनी के साथ कुछ होएगा तो कंपनी इसको क्लेम देगी, तो इसको क्लेम आएगा भी और क्लेम जाएगा भी। तो इस तरह क्लेम पे कितना किया और कितना रिसीव किया, तो बैलेंस ट्रांसफर करके ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, राइट? तो इसमें जब सम सॉल्व करेंगे तो याद रखो, जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग को लेस करना पड़ेगा तुमको, तो इस तरह तुमको कुछ मिलने वाला है। तो ये फॉर्मेट एग्जाम में बना के रखने का। सम डिपेंड करता है, कोई छोटा मोटा होता है, बड़ा आता है, तो अभी हम लोग ऐसा लड़ा टाइप का सम तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो तुम्हारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा बेसिक से सम स्टार्ट किया, ठीक है? थैंक यू।